बात करें शेबान आज़िम के बारे में, तो जिस तरीके से आप उन्हें तुझसे है राब्ता शो में देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा उन्होंने नाम फेम कमाया है। तो वहीं बात करें उनकी जोड़ी की, तो कल्याणी के साथ मल्हार की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहीं रियल लाइफ में बात करें तो रीम समीर शेख और शेबान आज़िम की जोड़ी को फैंस देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और रीम समीर शेख की बात करें तो फ़िलहाल अगर देखा जाए तो दोनों की उम्र में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जी हाँ, दोनों की एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जहाँ पर रीम समीर शेख सिर्फ 17 साल की हैं। तो वहीं अगर बात करें शेबान आज़िम के बारे में तो वो हैं 35 ईयर्स ओल्ड के, यानी कि उनसे दोगुनी उम्र के वो बड़े हुए हैं। लेकिन अगर बात करें ऑडियंस की, फैंस की, तो इन दोनों की जोड़ी के दीवाने हैं फैंस। लेकिन रियल लाइफ में बात करें शेबान आज़िम किससे डेट कर रहे हैं, कौन है उनकी गर्लफ्रेंड, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें शेबान आज़िम की, तो उनका नाम कई सारी लड़कियों के साथ जुड़ता रहा है। जी हाँ, और बात करें कोई एक्ट्रेस की, तो कोई एक्ट्रेस के साथ नाम जुड़ना कोई नई बात नहीं है। आप लोग तो जानते ही होंगे कोई एक्ट्रेस के साथ कई सारी खबरें आती ही रहती हैं सभी एक्टर्स की। सो ऐसे में शेबान आज़िम का नाम भी रीम समीर शेख के साथ जुड़ता ही रहा है। तो वहीं बात करें बेपनाह शो में, जहाँ पर उनके अपोजिट जेनिफर विंगेट नज़र आई थी, जहाँ पर हर्षद चोपड़ा नज़र आए थे। लेकिन अगर बात करें शेबान आज़िम और जेनिफर विंगेट की, तो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुए हैं। जी हाँ, दोनों काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं। बेपनाह शो तो काफ़ी टाइम का अफेयर हो चुका है, लेकिन दोनों आज भी मिलते रहते हैं और दोनों कई सारे इवेंट्स में एक साथ देखे जाते हैं। अगर बात करें शेबान आज़िम भी सिंगल हैं। जी हाँ, तो वहीं जेनिफर विंगेट की बात करें तो वो डिवोर्स ले चुकी हैं करण सिंह ग्रोवर से और उनका एक बेटा भी है। जी हाँ, लेकिन अगर बात करें तो वो सिंगल हैं और किसी को फ़िलहाल डेट नहीं कर रही हैं। अगर खबरों की माने तो खबरें आती ही रहती हैं। वहीं अगर शेबान आज़िम की बात करें तो वो जेनिफर विंगेट को डेट कर रहे हैं। जी हाँ, उनकी गर्लफ्रेंड की लिस्ट में जेनिफर विंगेट का नाम सबसे पहले आता है। सो देखने वाली बात ये होगी, क्या आने वाले टाइम में या 2021 में ही दोनों शादी करने वाले हैं। जी हाँ, कुछ खबरों की माने तो ऐसे ही चल रहा है कि दोनों बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। तो देखने वाली बात होगी इन खबरों में कितनी सच्चाई है, क्या सच में दोनों बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसा लगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।